डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब याद आने लगे, जिन्होंने इस देश के लिए अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। आप सबको पता है कि ये जो चुनाव की हम सब बेला में हैं और ये जो चुनावी उत्सव मना रहे हैं, ये हमें बहुत ही परिश्रम और बहुत ही कुर्बानी देने के बाद मिला है। इस लोकतंत्र के अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने मत के अनुसार अपना प्रतिनिधि, अपना नगर पंचायत अध्यक्ष, अपना मुख्यमंत्री और अपना प्रधानमंत्री चुनने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए वर्षों वर्षों तक हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था और उस संघर्ष के बाद यहाँ आजादी प्राप्त हुई थी। बहुत सारे लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था, बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों की छाती पे गोलियां खाई थी, भारत माता की जय करते हुए, वंदे मातरम का गान करते हुए तिरंगे को गिरने नहीं दिया था। और उन्होंने इसलिए यह शहादत दी थी कि जब हमारा देश आजाद होगा और यहाँ पर लोकतंत्र आएगा तो उस लोकतंत्र का जो सच्चे में सचमुच में जो उसका अर्थ होगा, आने वाली पीढ़ियां उसको साकार करेंगी। और यदि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मानते हैं या उनको उनके पुण्यतिथि पे, उनके शहादत दिवस पे उनको पुष्पांजलि करते हैं, यदि हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, तो उसके पीछे केवल यही उद्देश्य है कि उन्होंने जो यह लोकतंत्र दिया है, जो ये डेमोक्रेसी दी है, उसको ठीक प्रकार के हाथों में देने की जिम्मेदारी है। मंडल अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्र के अध्यक्ष और इस जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे वरिष्ठ नेता श्री शिवनायक वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र के अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्र के अध्यक्ष श्री भगवती प्रसाद रावत जी, जो उन्नाव जनपद के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, मंडल के अध्यक्ष श्री आनंद श्रीवास्तव जी, नगर पंचायत के प्रभारी श्रीमान विनय पांडे जी, नगर पंचायत के संयोजक श्रीमान राकेश शर्मा जी, नगर पंचायत सह संयोजक श्रीमान शिव प्रकाश शुक्ला जी, आपने वाकई में समा बांध दिया जिसके लिए आप मशहूर हैं। देखा उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला। मेरे जितने भी साथी हैं कहते हैं मारा खिलाड़ी है इसके अंदर हृदय नहीं है माधवी का, कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोर हूं उसने कभी छोटा नहीं देखा, उम्र हुई कभी घर नहीं देखा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की। भाई जोर से जोर ताकत लगा, सारा घर इंतजार कर रहा है कि भारत की जल्दी पाई छुटकी, जैसे जल्दी जाई अपने घोषणा में, कोई रहेगा नहीं फील्ड पर। इन शब्दों के साथ एक बार पुनः
अपने क्षेत्र के महामंत्री भाई गुरु प्रताप सिंह का मंचस्थ समस्त साथियों का और समस्त मेरे सम्मुख बैठे लोग जब लिया जाता है तो वह भरा जाता है। यह आप निश्चित समझ लीजिए, आपसे कर्ज लूंगा तो कर्ज आपका वापस शून्य ब्याज सहित कर दूंगा, यह मेरा वादा है। और कोर्ट के रुपया पैसा नहीं चाहिए, अपने दिल के अंतरात्मा पर खाना खाने के बाद हाथ रख लीजिएगा 10 तारीख को, और आपका अगर दिल दवा ही भागता है तो कहता है कि कमल का फूल उत्तर प्रदेश में योगी और देश में जोगी, तो उत्पात करने में भी रेणु की सरकार चाहिए, यही 3 पॉइंट मैं आपसे अनुरोध करने के बाद, क्योंकि युवाओं की फौज भी हमारी जयकारा लगा रही है। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, समय अभाव हो गया है। क्षेत्र अम्बेडकर नगर की धरती पर इल्जाम मुझ पर लगता है क्योंकि अकेला कमल का फूल मैंने खिलाया था। 2014 से लेके और 2022-23 तक अनवरत इंफाक्ट के टाउन एरिया की सर्जरी को तैयार करते हुए टाउन एरिया के क्षेत्र में रहने की जो कि यहां की अभ्यर्थी मोदी योगी जी का कमल का फूल लेकर आई है, ऐसे चुनावी समय में उसको हमारे आज के अतीत और क्षेत्र के महामंत्री अग्रज भाई गुरु प्रताप सिंह जी और क्षेत्र के पिछड़े मोर्चे के अध्यक्ष मेरे अनुज भाई श्री भाई वर्मा जी, अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष और क्षेत्र के भाई जी और सम्मानित, क्योंकि नाम होगा, नाम बहुत लोगों ने ले लिया, बहुत काफी विलंब होगा, इसलिए सम्मानित मंच मैं सबको दिल के अंतरतम तौर से प्रणाम करते हुए सबका अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ और सबको का वंदन करता हूँ। मेरे सम्मुख बैठे हुए अब मैं आग्रह करूंगा अपने नगर पंचायत के यशस्वी प्रभारी, जिले के जिला मंत्री, अब मैं आग्रह करूंगा श्री अपने कटरिया यशस्वी मुख्यमंत्री है, उन्होंने आपकी चिंता करने का काम किया और हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय नेताओं कार्यकर्ताओं की पहल पर उनकी चर्चा पर आज विद्युत नगर से लेकर के इंतफाकगंज तक चारों ढेलवाड़ा हो, चिकना हो, मीरानपुर हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथियों, मैं अपनी बात को कह रहा था कि तमाम लोग इस बात को कहने का काम करते हैं कि यहाँ कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, नेता के नाम पर क्षेत्रीय विधायक के नाम पर वोट करने का काम करें, लेकिन ये फैसला आपको स्वयं लेना है, हमको आपको स्वयं अजय मोदी रेणु देवी बन जाना है, किसी के सहारे नहीं चलना है, हमको आपको इस बात को समझना है कि तूफानों पर मेरे साथियों तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो और मल्ला होकर चक्कर छुओ तैर के दरिया पार करो, इसलिए हमको आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो तमाम बात